नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। एक अजीबोगरीब वाकया हुआ जब मंत्री और कांग्रेस नेता भंवर सिंह भाटी को एक युवक ने मुक्का जड़ दिया। राजस्थान में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। ये घटना सीकर में हुई। वो बीकानेर जा रहे थे जहां रास्ते में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान युवक भीड़ में घुस गया और उसने मंत्री की पीठ पर मुक्का जड़ दिया, जिससे खुद मंत्री भी चौंक गए। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसका कहना है कि लोगों को आशीर्वाद देने का उसका यही तरीका है। आपको बता दें कि युवक महाराष्ट्र का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। फतेहपुर सीकरी थाना अध्यक्ष उदय सिंह ने जानकारी दी है कि मंत्री भंवर सिंह भाटी जब सीकर के रास्ते होकर बीकानेर जा रहे थे, इसी दौरान बीच में सीकर में कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे, जहां वो रुके। बता दें कि भंवर सिंह भाटी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में ऊर्जा मंत्री के पद पर है। इसी दौरान महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला 30 साल का इमरान भीड़ में घुस गया। उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता माला पहनाकर भाटी का स्वागत कर रहे थे। इमरान ने मंत्री की पीठ पर एक मुक्का दे मारा। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, वो वहां से भाग निकला। वहां उपस्थित सुरक्षा गार्ड युवक को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। वहीं मंत्री को ये कहते हुए सुना गया कि वो पागल है, उसे जाने दो। हालांकि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से युवक की पहचान करने में सफलता प्राप्त की है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।